के पाठक एक अच्छे पदाधिकारी हैं, के पाठक शिक्षा में अच्छा काम कर रहे हैं और के पाठक को दोबारा शिक्षा विभाग में आना चाहिए, जिससे कि जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनको एक पूरे प्रदेश में एक उम्मीद जगी है। नीतीश कुमार की जो मंशा है शिक्षा को सशक्त और मजबूत करने का, उसके प्रति वो समर्पित होकर के काम कर रहे हैं, इसलिए हम समझते हैं कि वापस वो जरूर आएंगे और फिर कार्य को ताकत देंगे। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। बता दें आपको कि जेडीयू लगातार 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दावा ठोक रही है। अब ऐसे में वाम दलों के द्वारा इस पर आपत्ति जताया जा रहा है, तो अब ऐसे में जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सभी पार्टियों ने अपनी अपनी बात रखी है, कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि सीपीआई, माले, कांग्रेस सभी ने अपनी अपनी बातें रखी है, लेकिन हम लोग 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, यह बात तो तय है। इसी के साथ अशोक चौधरी के पाठक के बारे में भी यह कहते हुए नजर आए कि शिक्षा विभाग में के पाठक को वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि उनके काम से लोग बेहद खुश है। इसी के साथ बता दें आपको कि भाजपा पर जबरदस्त निशाना साधते हुए नजर आए, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि प्रधानमंत्री जो है वो बिहार दौरे पर आ रहे हैं, तो इसको लेकर अशोक चौधरी क्या कुछ कहते हुए नजर आए, पहले आपको हम वो सुनवाते हैं। स्मृति ईरानी जी से तो हम लोग सीआर लिखवाना नहीं है, है ना। स्मृति ईरानी जी तो सीआर हम लोगों का लिखेंगे नहीं, हम लोगों का सीआर लिखना होगा तो भगवान राम ने लिखेंगे ऊपर में, स्मृति ईरानी का भी सीआर ऊपर में लिखाएगा। कैसे लेंगे आप लोग? अब तो हम क्या चुनौती देंगे, जब धर्म संसद के लोग शंकराचार्य चुनौती दे रहे हैं, अर्ध निर्मित में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, हम लोग को क्या करना है इसमें। उन लोग का प्रश्न का जवाब उन लोग ना दें जो हिंदुइज्म का पेटेंट लिए हुए हैं कि हमारे पास ही पेटेंट है भगवान राम का, वो ना कहें। शंकराचार्य के प्रश्नों का उत्तर वो ना दें, वेद सम्मत शास्त्र सम्मत जो प्रश्न उठाया जा रहा है उसका जवाब उन लोग न दें। हमारे हिसाब से सीनियर एसपी पटना ने तत्काल कार्रवाई की है और जो वहाँ के पुलिस के पदाधिकारी थे उनको लापरवाही बरतने में निलंबित किया गया है, दो गिरफ्तारियाँ हुई है और हम समझते हैं कि पुलिस ने एसआईटी गठित किया है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी होगी और जो भी लोग हैं उनको जो सरकार से मुआवजा मिलना है या फिर कोई उन सब का किया जाएगा, उसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। बीजेपी के लोग लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति इस तरह की घटना करता है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसको तो सख्त सजा दिलाना और जो लोग पीड़ित है उसको न्याय दिलाना, उसके रिहैबिलिटेशन का प्लान करना सरकार का ही जिम्मेवारी है, सरकार उन सब जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रही है। ये तो इसका जवाब तो मुख्यमंत्री सचिवालय के लोग देंगे ना, वाया मीडिया तो जाता नहीं है, हम लोग मुख्यमंत्री सचिवालय तो देखते नहीं हैं कि हाँ वहाँ पर किनका निमंत्रण आया क्या आया, ये तो मुख्यमंत्री सचिवालय के लोग बोलेंगे, लेकिन हम लोगों को भी कोई जानकारी नहीं है, हम लोगों को पॉलिटिकली कोई जानकारी नहीं है। अब कोई ऑफिशियली कहीं से पत्र आया होगा कुछ आएगा उसके हम लोगों को जानकारी नहीं है। 21 तारीख का कार्यक्रम था लेकिन जिस सिद्धू कानू रामगढ़ में स्टेडियम की हम मांग कर रहे थे, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा थी, वो 26 जनवरी की तैयारी को लेकर के और उसको रिहर्सल को लेकर देने में वो लोग सक्षम नहीं थे, तो वहाँ के एसडीओ ने एक दूसरा मैदान दिया था हम लोगों को जिसकी कैपेसिटी हम लोगों के व्यवस्था के हिसाब से छोटी थी और वहाँ पर हेलीकॉप्टर भी लैंड करने में थोड़ी परेशानी थी, तो वैसी स्थिति को देखते हुए और राजनीतिक जो वहाँ के हमारे जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उन लोगों के आग्रह पर इसको 3 फरवरी को किया गया है रामगढ़ में, उसी रामगढ़ में। तो ये सर फुलवाड़ी में सर महादलित
लेकिन ट्वीट किया है, जो घटक दल है लेफ्ट खास करके वाम दल है उन्होंने इस पर एतराज जताया है, कहा कि जब वो 16 सीट पर चुनाव जीते थे तब की परिस्थिति और थी, वो एनडीए के साथ थे और आज हम लोगों के साथ है, तो आज हम लोगों के साथ बात ठीक है, ये सब बात होगा। सीपीआई ने भी तो अपनी बात रखी है ना कि हमें इतनी सीट चाहिए, जब सब कोई अपना अपना बात रख रहा था तब ना हमारे मंत्री विजेंद्र यादव जी ने रखी अपनी बात, हम 17 सीट पे लड़े थे, हम 17 सीट पे लड़ेंगे। जब सीपीआई, माले, कांग्रेस पार्टी सब अपनी बात रखी तो अपनी भावना को उन्होंने भी व्यक्त किया, तो जब बैठेंगे लोग तो बातचीत होगी, तो बात करेंगे, जो लोग निगोशिएशन में बैठेंगे, जो लोग निगोशिएशन में बैठेंगे बात होगी। लेकिन 17 सीट तो हमारी है ही है ना, 17 सीट पर हम लड़े थे, 17 सीट तो हमारी है ही है ना। लेकिन सर बीजेपी तो ये अब तो 15 में क्या हुआ था, 15 में कितने सीटें भारतीय जनता पार्टी को, अपना याद आता है, दूसरे का याद रहता, अपना भी तो याद करें। प्रधानमंत्री के दौरा पे क्या खाना है, हर राजनीतिक दल के लोग अपने अपने पार्टी के वर्कर के मनोबल को बढ़ाने के लिए, गैल्वनाइज करने के लिए अपनी अपनी बात को जनता के बीच रखते हैं, कौन नई बात है। अच्छा ये आपके एक काम करते हैं लेकिन बाद में नाराज हो जाते हैं, फिर वो छुट्टी पर चले जाता है, के पाठक अक्सर नाराज हो जाते हैं। नहीं नाराज होते कोई उनके, उन्होंने उनका जो अर्नड लीव था, जो हर एक पदाधिकारी को एक अर्नड लीव सरकार के द्वारा मिलता है, तो उन्होंने अपने अर्नड लीव को यूटिलाइज किया, कोई पारिवारिक उनको कार्य होगा या कोई उनको इश्यूज होगा, बहुत से लोगों का बहुत व्यक्तिगत कार्य रहता है, छुट्टी लेके अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं। के पाठक एक अच्छे पदाधिकारी हैं, के पाठक शिक्षा में अच्छा काम कर रहे हैं और के पाठक को दोबारा शिक्षा विभाग में आना चाहिए, जिससे कि जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, उनको एक पूरे प्रदेश में एक उम्मीद जगी है। नीतीश कुमार की जो मंशा है शिक्षा को सशक्त और मजबूत करने का, उसके प्रति वो समर्पित होकर के काम कर रहे हैं, इसलिए हम समझते हैं कि वापस वो जरूर आएंगे और फिर कार्य को ताकत देंगे। सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, सुना आपने, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि बहुत जल्द ही सीट शेयरिंग हो जाएगा और इसकी जानकारी हमारे मुखिया यानी के नीतीश कुमार जल्द ही दे देंगे। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि सभी पार्टियां ने अपनी अपनी बातें रखी है, कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहा है, और ऐसे में वो यह एक बार फिर अशोक चौधरी दावा ठोकते हुए नजर आए कि 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है जेडीयू। इसी के साथ प्रधानमंत्री की रैली पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे सुना आपने, तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।